नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। कोरोना वायरस के चलते आर्थिक संकट की स्थिति लगभग हर वर्ग के सामने है। इससे निपटने के लिए सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है। ऐसे में बुधवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस माफी, घर के लोन में ब्याज दर शून्य किए जाने, किसानों के बिजली बिल माफी समेत कई अहम सुझाव दिए। प्रियंका गांधी के किसान, श्रमिक और मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक समस्याओं को लेकर सीएम योगी को लिखे गए पत्र के बाद अब ट्विटर वॉर छिड़ गया। प्रियंका के पत्र के जवाब में यूपी बाल राज्य संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रीति वर्मा ने कहा कि योगी जी की सक्रियता का परिणाम है कि 8 लाख से अधिक श्रमिक कामगार प्रदेश वापस आ पाए। उनको रोजगार प्रदान करने की भी कवायद शुरू हो गई, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा। काश आपका जमीनी कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क होता तो ये पत्र आप न लिखती। डॉक्टर प्रीति वर्मा के ट्वीट पर यूपी कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रीति जी एक महिला अपनी बेटी के साथ 900 किलोमीटर चलती, एक गर्भवती महिला 500 किलोमीटर पैदल चलकर यूपी आती। योगी जी आपको झूठ बोलने के पैसे देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मजदूर किसानों की भलाई के सुझाव की तुलना आप डस्टबिन से कर रही हो, इसी से आपकी सोच का पता चलता है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा।